नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर डायबिटीज से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उनसे जुड़े सवाल जवाब करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, डायबिटीज को लेकर लोग अपने आप में बहुत सी बातें बोलते हैं। सबसे एक मशहूर जो अफवाह बोली जा सकती है, जो भ्रांति जिसे कहा जा सकता है, वो ये है कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से, ज़्यादा चीनी का सेवन करने से डायबिटीज़ हो जाता है। ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है? इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मीठा खाने से, चीनी खाने से डायबिटीज़ के होने और न होने का कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ तक है सौम्या जी कि डायबिटीज़ के होने में, आप ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ दो तरह का होता है, टाइप वन डायबिटीज़, टाइप टू डायबिटीज़। टाइप वन डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो जेनेटिक हुआ, वो मदर फादर को अगर है, जेनेटिकली ट्रांसमिट हो गया, तो ऐसे भी वो टाइप वन डायबिटीज़ हो जाएगा। उस पर खान पान का कोई असर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो तो इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, टाइप वन डायबिटीज़ हो गया। हम लोगों का मेन कंसर्न है, जो समझने की ज़रूरत है, वो टाइप टू के लिए। टाइप टू में ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं, कई लोग तो ऐसा है कि 90 साल के लोग हो गए, वो ज़बरदस्त मीठा खा रहे हैं, रोज़ एक एक किलो मिठाई खा लेते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होता। एक ही चीज़ है, कैच पॉइंट जिसको कहते हैं, कैच 22, कि अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं। जब कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो मोटापा के चांसेस बढ़ गए। अगर मोटापा के चांसेस बढ़ गए तो मोटापा और डायबिटीज़ में चोली दामन का साथ है, अनुनासरे संबंध है। इसलिए आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि चाइल्डहुड ओबिसिटी, यानी बच्चों में जो मोटापा है, वो आगे चल के एडल्ट ओबिसिटी में डेवलप कर जाता है, और वो डायबिटीज़ का सबसे बड़ा आधार बनता है। आधारशिला डायबिटीज़ का ओबिसिटी है। इसलिए आजकल पूरी दुनिया में जो हम मूल मंत्र दे रहे हैं, अपने वजन को कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो डायबिटीज़ पर आधी फतह आपकी हासिल हो गई। तो कहीं मीठा खाने के चक्कर में आपने वजन अगर बढ़ा लिया तो एक खतरे का संकेत है। लेकिन अगर आप वजन नॉर्मल है और मीठा आप खा रहे हैं, तो मीठा खाने से इंसुलिन लेवल का कोई मतलब नहीं है। शरीर की प्रकृति के अंदर ऐसी क्षमता है कि आपके मिठाई को वो आराम से पचा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि मोटापे और डायबिटीज़ में चोली दामन का साथ है, तो इसी लेकर भी एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को डायबिटीज़ होता है जिनका वज़न जो है वो ज़्यादा है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक डेफिनेट टर्म है, लीन डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो कम वज़न वाले भी लोग हैं उनको भी डायबिटीज़ होता है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, मोटापा दो तरह का होता है। एक जनरलाइज ओबिसिटी हो गया, जो व्यक्ति ऊपर से नीचे तक मोटा है, उसका पेट नहीं निकला हुआ है। तो बहुत सारे विदेशियों में आपने देखा होगा, यूरोपियन अमेरिकन है, जो 120 kg वेट है, लेकिन वो बिल्कुल फिट लग रहा है। और दूसरे जो हम लोग इंडियन में बहुत सारा देखते हैं, कि दुबले पतले भी हैं, आप पेट निकला हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं विसरल एडोबिसिटी या एबडोमिनल एडोबिसिटी, एबडोमिनल ओबिसिटी। एबडोमिनल ओबिसिटी वो डायबिटीज़ के लिए भी खतरनाक है और हार्ट के लिए भी खतरनाक है। तो इसलिए ओबिसिटी के पैटर्न पर आपका डायबिटीज़ का आगमन ये असर करता है जी। और जनरल ओबिसिटी पर भी असर करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ओबिसिटी तो खतरे का संकेत है ही, लेकिन नॉन ओबीज में भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अगर आपने और मान लीजिए कि और कोई बीमारी अगर आपको है और आपने ठीक से उसका ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे करके वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, वज़न नॉर्मल है, 55 kg वज़न है, 50 kg वज़न है, लेकिन टमी निकला हुआ है, जो आजकल बहुत सारा इंडियन में आप दिखाई दे रहे होंगे, वो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है, लोग अक्सर सलाह देते हैं कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उन्हें सिर्फ डायबिटिक फूड डाइट जो होती है वो खानी चाहिए, आम तौर पर जो खाना पीना होता है उससे पूरे तरीके से परहेज करना चाहिए, तो इस बात में क्या तथ्य है? कुछ नहीं है डायबिटीज़ में। आजकल तो पहले जैसे कहते थे सुक्रोज नहीं देते थे, फ्रुक्टोज, यानी जो शुगर, जो फलों में फ्रुक्टोज होता है, फल हम लोग अलाउ करते थे। अब है कि सब कैलोरी जो है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वज़न कंट्रोल रखिए, वज़न बढ़ने नहीं देना है डायबिटीज होने के बाद भी, और वज़न थोड़ा घटा के रखेंगे तो वज़न घटाने में क्या है, अगर आप चावल ज़्यादा खाएंगे, ये सबसे बड़ी बात यहाँ देखना है कि डायबिटीज में चावल की मनाही नहीं है, बशर्ते कि वो पॉलिश राइस नहीं हो,
ब्राउन राइस डायबिटीज में आप खा सकते हैं, कहीं कोई उसमें व्यवधान नहीं है। अगर सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के मरीजों को चावल से बिल्कुल दुश्मनी का रिश्ता हो गया और एक बॉर्डर खींच गया कि चावल, अगर बाप रे चावल तो एकदम दुश्मन है इनका, चावल खा, वो बेचारा चावल के लिए एकदम प्राण परेशान है उसका, और आप चावल के लिए मनाही कर दिए, ऐसा नहीं है। ब्राउन राइस खा सकता है, पॉलिश राइस नहीं, और सब कुछ खाएगा, सब कुछ, खास खास फ्रूट्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मिठाई का सेवन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें तुरंत ही शुगर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और ब्लड शुगर बढ़ाता है। लेकिन जैसे पपीता है, ये सब जितने जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, केवल आम है, अंगूर है, चीकू है, ये सब थोड़ा सा शुगर लेवल को जल्दी स्पाइक बढ़ा देता है, ये सब चीज़ मनाही रहती है जी। बाकी सब चीज़ खाइए, नॉर्मल डाइट का लीजिए, और फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, वज़न को हमेशा कंट्रोल करके रखिए, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज कभी कदार ये करते हैं कि दवाई ले रहे होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं। जिस तरीके से आप अभी बोल रहे थे कि डाइट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो लोगों का ये मानना है कि अगर वो दवा ले रहे हैं तो उन्हें कुछ भी खाने की इजाज़त है, तो क्या ये जो तरीका है वो सही है? तो आत्मघाती कदम है, सुसाइडल है। दवाई लेने का मतलब नहीं, पहला जो डायबिटीज़ का पहला पॉइंट है कि दवा तो लास्ट में हम लोग देते हैं। डायबिटीज़ का तीन मूल मंत्र है सौम्या जी, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग। तो डाइट तो मूल मंत्र है, पहला चीज़ आप कहें कि डाइट कंट्रोल कीजिए, और डाइट कंट्रोल का मतलब कैलोरी कंट्रोल, यानी 1200, 1500, 1800 कैलोरी तक हम लोग अलाउ करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ओबीज हैं तो उनका कैलोरी हमने और कम कर दिया, उसी अनुसार से डाइट बन गया। लेकिन ये अगर आप कह रहे हैं कि दवा तो हम ले रहे हैं, लेकिन जो पहला आप पड़ाव को आप भूल गए और अंतिम पड़ाव की ओर जाने की बात कर रहे हैं, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए हर पड़ाव को दुरुस्त करना है। तो डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग। अगर डाइट शुरू का जो हल्का फुल्का जो डायबिटीज होता है सौम्या जी, उसको हम लोग डाइट एक्सरसाइज से ही नियंत्रित कर लेते हैं। अगर ये दोनों से फिर वो बाउंड्री क्रॉस कर गया, तब हम लोगों को ड्रग की ज़रूरत पड़ती है जी। और फिर ड्रग में भी जब उसमें भी क्रॉस करता है, तब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही डायबिटीज़ का इलाज है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ ये समझना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स उतने फ़ायदेमंद होते हैं शरीर के लिए, या वो शरीर पर कोई उल्टा असर भी दिखा सकते हैं? अब जैसे इस पार्टी में जो शुगर फ्री जो लोग करते हैं, लिमिटेड इसके लिए, सीमित उसका यूज़ के लिए, सीमित जो प्रयोग होता है वो कभी भी खतरनाक नहीं है। जैसे आप दो कप चाय पी सकते हैं शुगर फ्री टैबलेट डाल के, लेकिन आप दिन में आप 10 कप चाय पी रहे हैं, 10 कप कॉफ़ी पी रहे हैं और हर बार शुगर फ्री डाल रहे हैं, खीर खा रहे हैं शुगर फ्री डाल के, चाहे बहुत सारा जो शुगर फ्री मिठाइयाँ आजकल आ गई हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है। शुगर फ्री मिठाई नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मिठाई अगर है, मिठास अगर है, तो उसमें शुगर रहेगा ही। तो इसलिए कभी भी अपने जीभ को बहुत ज़्यादा तरजीह न दें। जीभ को तरजीह देंगे तो डायबिटीज आपको भटकाएगा, डायबिटीज आपको परेशान करेगा। अगर आपने जीभ पर नियंत्रण कर लिया, तो समझिए डायबिटीज रूपी दैत्य आपसे हमेशा के लिए दूर रहेगा जी। तो इसलिए अपने जीभ को, अपने स्वाद को नियंत्रित रखिए। अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे आपने बताया कि शुगर फ्री मिठाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो किसी डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने पर कभी कभी किडनी पर प्रेशर देखा गया है। क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो हम लोग घबराते हैं एज ए डॉक्टर, वो है क्योंकि जैसे जान ही रहे हैं कि डायबिटीज़ तो सारे अंग को जर्जर करता है, तो अगर किडनी पर इफेक्ट कर दिया तो फिर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा शुगर फ्री प्रोडक्ट लेना, मैं समझता हूँ कि ये श्रेयस्कर और हितकर कतई नहीं है। इसलिए नॉर्मल तरीके से आप जो नॉर्मल डाइट लेते हैं, जिसमें शुगर की मतलब सीमित अवस्था, और शुगर भी अगर आप लें तो फ्रुक्टोज लें, बहुत ज़्यादा सुक्रोज वाला शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है, और मिठाइयों में सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज से दूर हटें, फ्रुक्टोज की तरफ जाएं अगर मीठा पसंद हो, और जो नॉर्मल डाइट है उसको लेते रहें, कैलोरी काउंट हमेशा रखें, कैलोरी बढ़ने न दें, मोटापे को नियंत्रित करें, रोज़ सवेरे आधा घंटे एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, हम समझते हैं कि बहुत हद तक आप सुखी जीवन,
स्वस्थ जीवन, डायबिटीज उन्मुक्त जीवन बिता पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा और इन बातों को आप अपनी आदतों में भी जरूर तब्दील करेंगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।